नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज। चलते हैं आज की फास्ट टॉप 10 खबरों की ओर। अफवाहों के चलते एक बार फिर पेट्रोल पंप में उमड़ी लोगों की भीड़। कहा ट्रक चालकों के हड़ताल पर दोबारा जाते ही शुरू होगी पेट्रोल की किल्लत। पाटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाए गए नसबंदी शिविर में हुई पूर्व महिला पार्षद पिंकी चड़ार की मौत। परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों पर लगाए लापरवाही के आरोप। नगर निगम में अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में हुआ बड़ा खुलासा। स्थापना शाखा के बाबू पर मिली भगत कर अवैध नियुक्ति देने की शिकायत। लाटगंज और गोरखपुर थाना क्षेत्र से वाहन चोरी करने वाले 5 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। आरोपियों में शामिल है 2 नाबालिग आरोपी। भेड़ाघाट में घूमने वाले पर्यटकों से मोबाइल लूटने वाले लुटेरों की हुई गिरफ्तारी। 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लूटी हुई एक्टिवा जब्त। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के बैनर तले की जा रही क्रमिक भूख हड़ताल का क्रम आज भी रहा जारी। कर्मचारी दूसरे दिन भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग पर बैठे रहे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में दूर दूर से शिकायतें लेकर आए फरियादी। फरियादियों की शिकायत सुनने के बाद संबंधित थाना प्रभारियों को शिकायतों के शीघ्र निराकरण के दिए गए आदेश। बंसी वाले मैरिज गार्डन में चल रही संगीतमय श्रीमद भागवत कथा का आज रहा दूसरा दिन। दूसरे दिन लोगों को सुनाई गई सुखदेव परिचित मिलन और 24 अवतारों की कथा। सुपरवाइजर की मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना से महिला सफाई कर्मी हुई परेशान। नगर निगम कार्यालय जाकर सुपरवाइजर फरीद खान के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। नगर निगम अमले ने सड़कों पर आवारा घूमने वाले मवेशियों और गौवंश के खिलाफ शुरू की ताबड़तोड़ कार्रवाई। कार्रवाई के दौरान सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों को दी गई अतिक्रमण न करने की हिदायत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा पल पल इंडिया न्यूज के साथ।